उत्तराखंड के दो युवकों को अफ्रीकी देश गिनी की नौसेना ने हिरासत में ले लिया। हल्द्वानी के सौरभ स्वर ने बताया कि वह मुंबई की एक शिप कंपनी में कार्यरत है। शिप कंपनी में देहरादून के तनुज मेहता सहित 14 भारतीय सवार हैं। ये लोग कच्चा तेल लेने अफ्रीकी देश गए थे। अफ्रीकी देश गिनी की नौसेना ने 14 अगस्त से इन लोगों को हिरासत में ले रखा है। सौरभ स्वर ने पीएमओ कार्यालय को ट्वीट करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी रिहाई के लिए मदद की मांग की। हल्द्वानी के सौरभ स्वर ने बताया कि वह हिरोट इडन नाम की कंपनी के शिप में कार्यरत है। जहाज कच्चा तेल भरने के लिए 8 अगस्त को नाइजीरिया के एक्को टर्मिनल पहुंचा था। जहाज में 26 क्रू मेंबर सवार थे। आपको बता दें कि तेल भरने के लिए उनका जहाज टर्मिनल से निकला तो नाइजीरिया ने तेल चोरी का आरोप लगा दिया और गिनी की समुद्री सीमा में प्रवेश करते ही नाइजीरिया के इशारे पर गिनी की नौसेना ने जहाज को रोक लिया। जहाज में सवार सभी लोगों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई। नौसेना ने शिप को हिरासत में ले रखा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।